अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे 1929 की द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में। 1929 में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। इसके दो रीजन्स थे। पहला रीज़न था, वार के बाद डिमांड तो डिक्रीज हुई, फिर कंट्रीज ने अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं किया, जिसकी वजह से हर चीज़ की ओवर प्रोडक्शन हो गई और जो प्राइजेस थे वो फेल हो गई। ये था पहला रीज़न। सेकंड रीज़न जो था वो था शॉर्टेज ऑफ लोन्स। गाइस, यूएसए ने दूसरे कंट्रीज़ को लोन देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब उनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था। और तो और, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी थे जिनको लोन क्लियर करना था। गाइस, इन दोनों रीजन्स की वजह से 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। इसके जो इफेक्ट्स थे वो हर जगह आ गए। यूएसए में जो बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए, और जो मार्केट्स थे, मार्केट्स में बाइज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इंडिया में जो उस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चल रहा था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। इंडिया में इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पांचवे सब टॉपिक के बारे में, रिबिल्ड द वर्ल्ड इकॉनमी। Thanks. Have a nice day.